अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सोगो के 20 एम्पीयर बैटरी चार्जर के बारे में है, लेकिन ये जहन में रखें कि ये सोगो का ओरिजिनल चार्जर नहीं है। ये बनाने वालों ने सिर्फ सोगो का नाम इस्तेमाल किया है। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब उन्हें टेस्ट करने के लिए, उनमें से एक चीज़ को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, नहीं तो वो डेफिनेटली टेस्ट होती। टेस्ट करके मैं दिखाता, तो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से किस तरह की चीज निकलती है। ये प्लास्टिक की बॉडी में बैटरी चार्जर है 20 एम्पीयर का, ठीक है जनाब। अब इसमें जो दो तीन चीजें हैं, एक ये LIT लो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, अच्छा ये मैं बताता हूँ क्या होता है। दूसरे नंबर पे सॉफ्ट स्टार्ट है, ठीक है जी, देन टर्बो कूलिंग है और कम्पैक्ट डिजाइन है। ये दो तीन चीजें हैं। अब लो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जब ये चार्जर काम कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या इस चार्जर के करीब कोई ऐसी आपके पास डिवाइस पड़ी है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो ये चार्जर उसे डिस्टर्ब ना करे और वो इसे डिस्टर्ब ना करे। तो असल में लो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का ये मतलब है। ज्यादातर चार्जर जो होते हैं, लेकिन वो ट्रांसफार्मर वाले चार्जर जो होते हैं, वो इस तरह की इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस चार्जर में इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम है, जो आपकी दूसरी चीजों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और ये 20 एम्पीयर का है। अभी इसे जो है वो ऑन करते हैं, इसका मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ और बैटरी चार्ज भी करके दिखाता हूँ। इसमें दो चीजें आ रही है, एक ऊपर वोल्टेज शो हो रहे हैं और नीचे एम्पीयर शो हो रहे हैं। डिजिटल डिस्प्ले है इसका, और जितना बैटरी जो है वो एम्पीयर, जितने एम्पीयर से चार्ज होगी वो यहाँ पे नीचे एम्पीयर में शो होंगे। अब भी एक और चीज, इसमें रिवर्स पोलैरिटी जो है वो, या शॉर्ट सर्किट की भी प्रोटेक्शन है। ये दोनों प्रॉप्स जो है वो अटैच कर रहे हैं हम, तब देख रहे हैं कि चार्जर जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज इसमें मौजूद है कि इस्तेमाल के दौरान ये प्रॉप्स जो है इसकी अटैच हो जाए, या रिवर्स पोलैरिटी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लग जाए, तो आमतौर पर चार्जर खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये प्रोटेक्शन मौजूद है जो कि बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन है इसके अंदर। बाकी चार्जेस में आमतौर पर मौजूद होती है, लेकिन सब में मौजूद नहीं होती, और इस तरह काफी सारे चार्जर जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो अब इसमें जो है बैटरी अटैच करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 100 वोल्ट से भी वर्किंग शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर आपके वापडा के वोल्टेज 100 वोल्ट आ रहे हैं, बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं, फिर भी ये चार्जर जो है आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस देगा। अब ये बैटरी अटैच की है साथ में, हम लोगों ने इसके साथ लोड अटैच है, ये लोड जो है वो अभी उतार देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बैटरी के अंदर जो तकरीबन 17-18 एम्पीयर जा रहे हैं, और टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो ये कम होते जाएंगे। जिस जिस तरह बैटरी चार्ज होती जाएगी, ये वोल्टेज कम होते जाएंगे, सॉरी एम्पीयर जो है वो कम होते जाएंगे। 14.6 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रही है, और इस वक्त एम्पीयर जो है वो तकरीबन 16 एम्पीयर बैटरी को जा रहे हैं, 16-17 एम्पीयर जा रहे हैं। तो आप इस चार्जर की मदद से 200 एम्पीयर तक की बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। दो तीन जो अच्छे फीचर्स हैं वो मैं दोबारा बता देता हूं। एक तो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टे लग जाए बैटरी तो चार्जर को नुकसान नहीं होगा। दोनों जो क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं, ये चुटकियां जिसे बैटरी अटैच की हुई है, ये दोनों अटैच हो जाए, आपस में जुड़ जाए, तो चार्जर को नुकसान नहीं होगा। और ये लो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी वाला है, तो ये काफी अच्छा चार्जर है। आप लोगों की मार्केट में अगर ये अवेलेबल है तो आप इसे इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। आप इससे अम्पेयर कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसमें नॉब भी लगी हुई है अम्पेयर कम और ज्यादा करने वाली। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये एक अच्छा चार्जर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि दूसरों को भी इसके पता चल सके। थैंक यू वेरी मच जी।